सोच हमेशा ऐसे रहना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मैं मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। विशाल सिक्योरिटी से मैं जितेंद्र पाठारे आपको फायर के बारे में बेसिक ट्रेनिंग दूंगा। इस परिसर में कहीं पे भी अगर आग लगती है तो हम इस आग को रोकने के लिए तैयार है? सब लोग तैयार है? तो मैं आज आपको आग से कैसे लड़ेंगे हम लोग, जो वो आज सिखाऊंगा मैं। हमारे पास जो जो इक्विपमेंट है वो आपके सामने है। आग कैसे लगती है? ट्रायंगल ऑफ फायर। आग एक क्या है? त्रिकोण है। क्या है? त्रिकोण। आप मेरे साथ बोलो, आग एक क्या है? त्रिकोण, ट्रायंगल ऑफ फायर। तीन चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है। कौन से वो तीन चीजें? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें एक साथ जब आती है तब आग लगती है। उसके बाद हम उसको अगर बुझाना चाहते हैं तो हम उसमें से एक को हटा देंगे, यानी हीट को हटाएंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाएंगे तो, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे और आग को बुझाएंगे, यानी फायर एक्सटिंग्विशर, ये बॉल, फायर बॉल, उससे क्या होता है? आग बुझ जाएगी, यानी ब्लैंकेटिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्यूल को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे? फ्यूल को हटाना मतलब स्टार्वेशन करना, यानी तीन चीजें जब एक साथ आती है तो आग लगती है और तीन चीजें उनमें से हम एक को हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। यानी हीट को हटाएंगे, कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को हटाएंगे तो स्टार्वेशन होगा। अभी हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या करेगा? ब्लैंकेटिंग करेगा। क्या करेगा? ब्लैंकेटिंग करेगा। हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है वो क्या करेगा? कूलिंग करेगा। कूलिंग करेगा यानी आग बुझ जाएगी। हमारे पास जो फ्यूल है, आपको मालूम है फ्यूल क्या है? जिसको लगी हुई आग, यानी कपड़े को लगी हुई आग, बराबर फैब्रिक उड़न को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, पेट्रोल डीजल केरोसिन इलेक्ट्रिसिटी गैस को लगी हुई आग, यानी फ्यूल, वो क्या है? फ्यूल है। अगर फ्यूल को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्वेशन करना है। क्या करेंगे हम लोग? यानी क्या करेंगे? मेन सप्लाई बंद करेंगे, यानी फ्यूल को क्या करेंगे हम लोग? रोकेंगे। फ्यूल को रोकना मतलब आग को पावर कम मिलना, बराबर। उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं। गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को रोकने के लिए हम लोग घर में भी अगर आग लगती है, अगर पकड़ लेता है गैस की, तो हम लोग क्या करते हैं? वॉल बंद कर दे कि नहीं? तो मेन क्या है हमारा? वॉल बंद करना, नहीं तो वहां से क्या आएगा? सप्लाई आते रहेगा और हमारे पास क्या है? 5 kg, 10 kg, 20 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है, वो खत्म हो जाएगा और वहां से सप्लाई चालू हो रहे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा करके फ्यूल को स्टॉप करेंगे, यानी रोकेंगे उसको। गैस की आग लगती है तो हम लोग उसको वॉल बंद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग सप्लाई बंद करेंगे और लकड़ा कपड़ा इसे क्या करना होगा? आपको आजू बाजू में साइड में करना होगा, तब जाके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर से सीमेंट, अपना या सैंड बकेट में जो सैंड है उससे हम लोग आग बुझा सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है वहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये फायर बॉल भी है। तो आग के क्लासेस ऑफ फायर आपको जानना चाहिए। पानी की आग हम लोग कहाँ बुझाएंगे? जहाँ पे साधारण आग हो तो, यानी जनरल फायर। लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, ये क्या हुआ? साधारण आग हुआ, यानी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी से बुझा सकते हैं, सैंड से बुझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, यानी बी क्लास ऑफ फायर। कौन सा क्लासेस ऑफ फायर है? बी क्लास ऑफ फायर है। तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वहां पे लिखा होता है ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ए बी सी। ठीक है, तो सी क्लास यानी गैस फायर। कौन सा फायर?
गैस फायर, उसके लिए भी हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है। डी क्लास यानी मेटल फायर, धातु को लगी हुई आग, और फिर बाद में ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यानी गैस, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उस फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाते हैं। और जो जहाँ पे हॉपिसेस हैं, जहाँ पे हम लोग पाउडर पाउडर नहीं कर सकते, गैस ऑटोमेटिकली आग बुझा देती है, ठंडा करती है, और क्या करता है, आजू बाजू में कचरा नहीं फैलता है, आजू बाजू में ये पाउडर फैल जाएगी, मगर हमारे अंदर फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, कौन से ऑपरेट करेंगे, कौन सा मेथड है, मेथड कौन सा है, कोई बताएगा, ये ऑपरेट करने के लिए, ये ऑपरेट करने के लिए पास का मेथड है, कौन सा, PASS, कौन सा, PASS, यानी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस सील को पहले तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कैसे, इस तरह से हम लोग सील को तोड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, P4 पुल द सेफ्टी पिन, इस सेफ्टी पिन को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, निकाल दिया, फिर बाद में इसको भी निकालना है हमको, ठीक है, P4 पुल द सेफ्टी पिन, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से होस पाइप निकालेंगे बाहर, और क्या करेंगे, जहां पे आग लगी है उसको हम एम करेंगे, तब तक हम लोग इसको दबाएंगे नहीं, इस तरह से हम लोग पकड़ सकते, किस तरह से, इस तरह से पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे आग लगी है उसको बेस पे, यानी आग के ज्वाला ऊपर तक है मगर हमको बेस पे निशाना लगाना है, इस तरह से निशाना लगाना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वीज द लीवर, इस लीवर को दबाएंगे और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, यानी पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, एस फॉर स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, इस तरह से हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। मगर जब भी बाहर आग लगेगी, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते तब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, हवा तेज होती है, यानी हवा की दिशा को देख के हमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो, ये जो प्रेशर गेज है, क्या है, प्रेशर गेज, हमेशा प्रेशर ग्रीन पे रहना चाहिए, यानी ये नीडल जो पिन है वो कहाँ पे, वो रहना चाहिए ग्रीन पे रहना चाहिए हमेशा। तो इसके अंदर आप समझोगे, इसके अंदर प्रेशर है, समझ गए, तो ये प्रेशर रहेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगी, पाउडर निकलेगी, अगर इसके अंदर से कौन सा होस पाइप है, कैनवास होस पाइप, ठीक है, ये कैनवास होस पाइप क्या है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आगे की मेल कपलिंग है, क्या है, मेल कपलिंग, और ये हमें अगर इसको निकालना है तो दो पैरों के अंदर डालना है और इस तरह से निकालना है, ठीक है, समझ गए आप लोग, ये फीमेल कपलिंग है, कौन सा कपलिंग है, ये फीमेल कपलिंग, और ये मेल कपलिंग, कौन सा है, मेल कपलिंग, ठीक है, इसको इस तरह से अंदर डालना है और इस तरह से हमें दो पैरों के बीच में डाल के इसको निकालना है, ठीक है, समझ गए, इसका इस्तेमाल हम लोग, अगर इसको पकड़ना है तो हम लोग इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से खड़े रहेंगे, ठीक है, समझ में आया, ये ब्रांच पाइप, ये फीमेल कपलिंग, ये लक्स और ये मेल कपलिंग। अभी हम लोग आग लगाएंगे, वहाँ का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे ना वहाँ पे, हाँ अभी आपको समझ में आया फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये पुल द सेफ्टी पिन, इस पिन को हमको क्या करना है, निकालना होगा और एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, सबको समझ में आया, ठीक है, हम लोग चलेंगे वहाँ पे। केमिकल हमारे पास ABC जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके लिए हम लोग सब फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग केमिकल के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी लिखा है पेट्रोल डीजल केरोसिन केमिकल के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फोम है वो एबीसी के लिए है, एबी के लिए, यानी साधारण आग जब लगती है पेट्रोल डीजल उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आग आखिर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, किससे आग बुझाया जाता है? पानी से ही बुझाया जाता है, मगर पानी से मात्रा ज़्यादा होती है और आग पूरा नुकसान हो जाता है। इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड है पेट्रोल डीजल केरोसिन और इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने की, जिससे गैस बाहर निकलता है। ये पाउडर निकल के पाउडर हो जाएगी, थोड़ी सी आग लगती है तो हम लोग चलो तुरंत बुझा दिया और कुछ पता भी नहीं चलेगा, जो जल गया थोड़ा सा जल गया, मगर ये पाउडर से पाउडर हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग तुरंत बुझ जाएगी। कंप्यूटर की आग लगती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो इक्विपमेंट है अंदर ऑफिस के अंदर, उसका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। अगर छोटी मोटी आग लगती है तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रखना होना चाहिए। लेके चलते आराम ऊपर, दबाओ मत, अभी दबाओ मत, पहले लेफ्ट लेफ्ट में ले लो, ये भी वैसे नीचे ही गया, दबाओ, ठीक है, बराबर ले लो, एक मिनट, पानी से बुझा दो इसको। थोड़ा आगे ले लो उसको। अभी आप देख सकते हो इसकी हवा की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा मिला है, तो इसके लिए हम लोग पाउडर से नहीं पानी से बुझा देंगे। ठीक है, वॉल ओपन करा, बैटरी दाखो नहीं का, ए पाइप पकड़ो, पाइप नीचे से पाइप पकड़ लो, वॉल बंद करो, कम करो, धीरे धीरे, अरे हाँ पाइप इकड़े इधर से पाइप पकड़ लो, इकड़े ना पाइप पकड़ूं क्या ना, हाँ इधर से पकड़ लो, या आगे पकड़ लो, हाँ इधर पकड़ो, इधर ये हाथ ऐसा उल्टा ऊपर से, हाँ ये हाथ आगे ले, पैर पीछे लो, यार तुम्हें इकड़े लॉक करा, हाँ रेडी स्टार्ट, देख दिसते चालू, वॉल ओपन करो भाई, बराबर का फोल्ड नहीं जाना, हाँ ऊपर ले लो, ऊपर लो, ऊपर एकदम ऊपर लो, हाँ नीचे करो, अभी नीचे करो, हो गया सबका ना, नीचे 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 बंद करो, बंद करो, ऊपर का पानी है ना, बंद करो पूरा वॉल, बंद करो, ये इंदिरा धनुष आया ना किधर, मैं बोलतो ना क्या, तुम इकड़े पकड़ा, या साइडला पाय पुढे का डावा, पाय पुढे का असा, हां स्टार्ट, चलो पाय पकड़ लो, थोड़ा आगे से पीछे से, थोड़ा पीछे ले लो पाय, मुझे क्या वो ये हेवी कम मिलता है, स्टार्ट, आला 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 आला, पाय पुढे गेले, वरती घ्या वरती घ्या, बंद करो बंद करो, बंद बंद, है ना पूरा प्रेशर एकदम प्रेशर, अच्छा हाँ ऑटो सिस्टम उल्टा, अच्छा कभी भी यानी जॉकी जम्प स्टार्ट हो जाता है और प्रेशर अगर कम गिरता है तो वापस वो स्टार्ट भी हो जाए, हाँ डाल भाई।